क्या करते हैं आप? मैं बीकॉम सीए फाइनल ईयर में हूँ, टीआरएस कॉलेज। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार सत्ता चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा, तो सत्ता के साथ इस बार युवा रहेंगे कि सत्ता परिवर्तन पर युवाओं का विश्वास है? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरा सत्ता परिवर्तन पे विशेष राय है, क्या कि एक व्यक्ति किसी को एक बार उसको बेरोजगार है, हर व्यक्ति उसको सबको बिजनेस चाहिए, कोई अपने पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद कुछ भी ठेला लगाते हैं, कोई कुछ भी करता है, उसके लिए कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ये बिल्डिंग दिखाने से कुछ नहीं होता है, बिल्डिंग भी होना चाहिए तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, टीचर क्लास में बच्चे पहुंच जाते टीचर नहीं आते, कभी क्लास नहीं लगती है, वोटिंग चालू होने वाली लेकिन क्लास लगी नहीं रही, बोल दिया कि छुट्टी हो गई। तो आपको लगता है कि अभी उस तरह की व्यवस्थाएं और परिवर्तन और किस लिए होना चाहिए? एक तो आपने ये बताया कि शिक्षा की व्यवस्थाएं और रोजगार की व्यवस्थाएं यहाँ ठीक नहीं है, तो और किस लिए परिवर्तन आप सोचते हैं? जैसे विकास का एक बड़ा मुद्दा है, कहते हैं कि जो बड़े आदमी उनको वो पैसा ना दे, जो सरकार पैसे उनको देती है, उस गरीबों को दो उनके हक के लिए पैसा दे, सबको ऐसे जो अमीर है उनका भी पैसा देने लगी है, जो गरीब है उनको भी दे रहे, अमीर आदमी को ना दे, गरीबों को बस बस। आपका मानना है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनकी मदद की जानी चाहिए, बंदर बांट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। सब योजनाएं चल रही, बड़े आदमियों को भी ये रोजगार दिया जा रहा है, बड़े छोटे आदमी को भी दे रहा है, जैसे आवास योजना वाला गरीब को देना चाहिए, जो जिनके पास घर रहने के लिए नहीं है, सरकारी जगह पर सरकार लोग सरकारी बिल्डिंग नहीं बनवा रहे हैं, प्राइवेट बिल्डिंग सब अपने नाम करवा के बनवा जा रहा है, शिवराज जैसे आज रीवा आ रहे हैं, अगर वो कुछ सही काम करते तो उनको रीवा आने की बार बार जरूरत न पड़ती, आदमी खुद अपने आप वोटिंग करते। तो ये है आम युवाओं की राय, और आपने सुना कि किस बेवाकी से, किस तरह से, किस अंदाज से अपनी अपनी बात रखी। कुछ लोगों का मानना है कि रीवा में विकास बहुत तेजी से हुआ है और हर क्षेत्र में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं। वहीं कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और भले ही बिल्डिंग बनी हो लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता उस तरह से नहीं है जैसे कि एक अच्छे शहर के, एक महानगर की पहचान वाले शहरों में एक उस गुणवत्ता के शिक्षा मिले। रोजगार पर बात हुई, स्वरोजगार पर बात हुई, और ये तमाम युवा जो हमारे साथ थे इन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। अब देखना है कि इन युवाओं का रुझान किस तरफ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, तो ये युवा किस तरह वोट करते हैं, सत्ता के साथ या सत्ता परिवर्तन के साथ, ये देखना होगा। हमारी चुनावी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, अलग अलग लोगों से बात करेंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब पूरे चरम पर लड़े जा रहे हैं और चुनाव प्रचार चल रहा है लगातार, प्रदेश के मुखिया, दोनों पार्टियों के बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में, विधानसभाओं में, गांवों में चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे दावे हैं और वादे हैं सरकारों के, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए। तो ऐसे में इस रीवा का युवा क्या सोचता है इस विषय पर और क्या इनकी मुद्दे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचते हैं इस विषय पर, हम बात करेंगे, एकदम आम लोगों से राय लेंगे। ये किसी पार्टी से हो सकता है, ये किसी विचारधारा को पालन करते हों, लेकिन ये इनसे बात करने के बाद ही मुझे पता लगेगा। क्या नाम है आपका? श्रीकांत तिवारी है। श्रीकांत तिवारी? हाँ, अच्छा, श्रीकांत तिवारी हैं आप। युवा के तौर पर आपको क्या लगता है कि रीवा का जो शिक्षा व्यवस्था है, रीवा की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है और कैसी होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सभी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो अपना अपना काम कर रही है, लेकिन आज एक स्टूडेंट के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई भी नेता हो, अपने अपने बात कर रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अगर व्यक्तिगत बोला जाए कि शिक्षा के लिए आपने क्या किया ना, तो आज हम लोग भी इसी कॉलेज से पढ़ के निकले, अभी निकले हैं। ज़्यादा कोई विशेष ये नहीं है कि आज छात्रों के लिए क्या हो रहा है। कोई पार्टी छात्रों के लिए कुछ करे कि आज स्टूडेंट है किसी कॉलेज में है तो उसको सपोर्ट हो, आज युवा जो बेरोजगार है तो उसके बारे में विषय में बात की जाए, बेरोजगारी हटाने बात की जाए, किसी शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए, थोड़ा शिक्षा सही हो। आज बहुत सारी कॉलेज हैं जहाँ क्लासेस ही नहीं लगती हैं, आज वहाँ के टीचर सब चुनाव में हैं, है ना। आज स्टूडेंट क्या है, तो केवल कॉलेज जा रहा है, लेकिन पता चला कॉलेज के अंदर आए हैं तो आज बहुत सारे सर लोग ही नहीं है, है ना, वो पता चला चुनाव में ड्यूटी लग गई है उनकी। तो शिक्षा और चुनाव को अलग अलग रखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, और अगर
देश का हर नेता अगर स्टूडेंट के बारे में सोचे ज़्यादा सही रहे, हमारा विषय यही है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आप ये बताइए हमें कि जो सरकारें दावा करती हैं कि हमने इतने कॉलेज बनवाए, हमने शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया, हम रोज़गार दे रहे हैं, क्या ये बात सही है? आपको लगता है कि रोज़गार मिल रहा है लोगों? देखिए रोज़गार तो वादा तो हर करते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए। ठीक है, आज देखिए हम लोग भी कॉलेज करते हैं तो जैसे बोले कॉलेज बनवा रहे हैं, कॉलेज बनवाने से केवल कॉलेज नहीं चलती, कॉलेज की शिक्षा नीति भी सही होनी चाहिए, टीचर भी उस हिसाब के होने चाहिए, पढ़ाई भी उस स्तर की होनी चाहिए, तब जाके किसी कॉलेज का विकास होता है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार दाहिया। विकास जी, क्या लगता है आपको कि रीवा का जो एजुकेशन हब बनाने की बात कही जाती है, ऐसा कहा जा रहा है कि रीवा में हर तरह की शिक्षा व्यवस्था है, बाहर के लोग भी यहाँ पढ़ने आएंगे, तो क्या वो स्थिति बन चुकी है? कि बाहर के लोग तब पढ़ने जब शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जाएगा। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है अपना जो पैसा, क्योंकि एजुकेशन लेने का मतलब है कि व्यक्ति रोजगार कमाए, और रोजगार यदि नहीं मिला तो फिर डिग्री लेने से कोई मतलब नहीं होता है। तो शिक्षा दे रहे हैं, बदलाव करिए, बदलाव लाने के साथ साथ जो आप वादे किया जाता है, चाहे कोई पार्टी हो, पार्टी सब अच्छी है, लेकिन जब बदलाव लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, हर एक युवा जब रोजगार की तरफ आकर्षित होगा तभी बोल पाएगा हाँ देश का विकास हो रहा है या डिस्ट्रिक्ट का विकास हो रहा है। किसी तरीके से विकास तभी होगा जब वो रोजगार अपना पा सकेगा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पिछले जो सरकारों का दावा है, लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो युवाओं को रोजगार देने में क्या सरकारें सफल हुई हैं, या एक और बात कहती हैं सरकारें कि हम रोजगार नहीं दे रहे हैं, हम स्वरोजगार दे रहे हैं, आप अपना उद्योग खुद से लगाइए, तो इस बात पर आपका क्या क्या राय है? स्वरोजगार देने के लिए भी धन चाहिए। हाँ, धन जब सरकार देगी तभी अब 10 लोग बेरोजगार, 10 में से एक इंसान पा गए तो वो कोई स्वरोजगार नहीं होगा। 10 में से कम ये समझिए आप कि सभी को मिलना चाहिए ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ 90% लोग सिर्फ बेरोजगार ही है, 10% रोजगार मिला तो क्या मिल रहा है? ठीक है, पार्टी तभी विकास कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी देखा जाए, तभी विकास होगा जब लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार तभी दे पाएंगे आप। स्वरोजगार अच्छी बात है क्योंकि व्यक्ति यदि अपने आप डिपेंड बनेगा तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि सर्विस इतना नहीं है कि गवर्नमेंट सबको जॉब दे पाएगा। बिल्कुल, तो स्वरोजगार देने के लिए यदि जो भी पार्टियां सब यदि ध्यान दे स्वरोजगार में तभी देश का विकास हो पाएगा। तो फिलहाल आप मानते हैं कि उस तरह का काम नहीं हो पाए युवाओं के लिए? बिल्कुल, चाहे किसी वो ग्राम में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे देश में हो, यदि स्वरोजगार देने पर आप फोकस करेंगे तो 100% विकास होना निश्चित है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि स्वरोजगार देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतनी नौकरियां प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती हैं, लेकिन उस मामले पे भी सरकारें उतना बढ़िया नहीं कर पाई हैं। क्या नाम है आपका? देव पांडे मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं अभी कॉम से साल फाइनल ईयर है मेरा। तो क्या लगता है कि ये डिग्री करने के बाद आप रोजगार के लायक हो जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल, अगर मैं इस पे पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर ली तो निश्चित कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, क्या बात है। तो सरकार और रीवा में, हम रीवा के विधानसभा की अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, ऐसा दावा है रूलिंग पार्टी का, क्या आपको लगता है कि उतना ही तेजी से विकास हो रहा है जितना दावा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, रीवा पे काफी विकास हुआ है, राजेंद्र शुक्ला जी ने काफी विकास किया है। रीवा पे पांच फ्लाईओवर देख लीजिए, रीवा की रोड पहले क्या थी, अब आप रीवा की रोड देख लीजिए। और शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहूंगा तो आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता देख लीजिए, रीवा में परिसर खुल चुका है। और आपका शिक्षा के क्षेत्र, अभी 15 दिन हुए एक संस्कृत महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया माननीय मंत्री जी द्वारा। तो आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, शिक्षा की, है ना? शिक्षा व्यवस्था, तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा जिस तरह से कॉलेजेस खुल रहे हैं, गुणवत्ता भी उतनी ही क्वालिटी मेंटेन हो पा रही है, ईमानदारी से आप बताइए? जी बिल्कुल, गुणवत्ता हो रही है और कॉलेज खुल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को। ये इतने सकारात्मक व्यक्ति हैं कि सब चीजें मिल रही हैं। और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर्वेश शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है रीवा में ये जो दावा है सरकारों का युवाओं के लिए, सरकारें कितने निष्ठा से काम करती हैं, आप ये बताइए मुझे, सरकारें क्या सोचती हैं युवाओं के लिए, केवल भाषणबाजी होती है? सिर्फ जो है चंद वक्तव्य तक सीमित रहता है, जो उनके संकल्प रहते हैं, जो उनके वास्तविक जो संकल्प रहते, जो करना चाहिए युवाओं के हित के लिए, जो हितकारी कार्य करना चाहिए, कोई भी ऐसे कार्य धरातल पर नहीं होते। युवाओं को सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम कर दिया जाता है, बस बाकी कोई धरातल पर ऐसी कोई योजनाएं सरकार की युवाओं के लिए नहीं होती हैं, जो हितकारी हो, वो रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके और वो सुनियोजित रूप से अपना जीवन यापन कर सके, प्रगति कर सके, देश राष्ट्र के निर्माण में अपना अभिन्न योगदान दे सके।
उसके लिए उनको कहीं ना कहीं ना कोई उत्प्रेरित किया जाता, ना कुछ मोटिवेट किया जाता, ना उनका सहयोग किया जाता। ये बताइए कि रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या रोजगार इस बार का युवाओं में चुनाव का मुद्दा बनेगा 2023 में? जी रोजगार बिल्कुल मुद्दा है। आज वर्तमान समय में देखिए तो लगातार 18-19 हज़ार ऐसे युवा है जो आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के कारण। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है, लगातार घोषणा वीर के नाम से जो है शिवराज सिंह चौहान जी जाने जाते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई योजनाएं नहीं है जिससे युवाओं का हित हो सके। लगातार जो है तो युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है। आज 18 साल हो गए लेकिन युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना नहीं आई कि रीवा का युवा, मध्य प्रदेश का युवा जो है तो अपने ही क्षेत्र में स्थानीय उद्योगों में जो है तो हिस्सेदारी के साथ जो है तो रोजगार उपलब्ध हो सके उसको और अपना जीवन यापन हो सके। आज वर्तमान समय में युवाओं की स्थिति ऐसी है कि बाहर पलायन करना पड़ रहा है। बाहर जो है मतलब एक तिहाई युवा ऐसे हैं जो बाहर पलायन कर रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए भटकना पड़ रहा है। वर्तमान समय के प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सभी चीजों को दृष्टिगत ना लेते हुए लगातार जो है तो 18 साल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी दिलीप बिल्ड का बंसल ठेकेदारों की सेवा में थे, जब चुनाव आ गया तो जनता की सेवा का नाटक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। विकास का प्रमुख जो अभिन्न जो है अंग होता है, परिवर्तन ही संभावक होता है विकास। ये है युवाओं का आक्रोश। आपको क्या लगता है जो ये दावा है, रीवा में तमाम अभी भाई ने कहा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस खुले हैं, बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो आप इस विषय पर क्या सोच ये बताइए। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि खोखली बिल्डिंग बनवा देने से क्या लाभ होता है, जब उसमें ना कोई सुनियोजित व्यवस्थाएं हैं, ना टीचर है, ना उसकी व्यवस्थाओं को चलाने वाला जो योग्य आदमी है, ना योग्य आदमी मिल पा रहा है, ना योग्य शिक्षक मिल पा रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चंद दलाल तक सीमित हो चुका है शिक्षा का केंद्र। उसका प्रमुख उदाहरण आपके सामने है कि माननीय जीतू पटवारी जी जो है तो यहाँ पे वर्तमान समय में कन्या महाविद्यालय खोलने का आश्वासन दिए, लेकिन उसके बाद ही आपके सामने उसका परिणाम देखने को मिला। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने वहाँ पे जो है तो एक बिजनेस का हब बनाने का निर्णय ले लिया, शिक्षा के क्षेत्र को जो है तो दबाने का कार्य, तुष्टिकरण करके खत्म करने का काम किया उन्होंने। जो है तो वो जो कहते हैं ठेकेदारों को प्राथमिकता दे रखी है और युवाओं का हनन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन की हुंकार बढ़ चुकी है, अब 10 दिन बाद आप देखेंगे। और हमारे रीवा विधानसभा की सीट, आप थोड़ा राजनीति में आ रहे हैं, तो रीवा विधानसभा की सीट काफी मजबूत मानी जाती रही है, 20 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इस बार आपको लगता है कि युवा परिवर्तन कर सकते हैं? जी बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन ही विकास की नींव निर्धारित करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नवाचार विकास है, सुव्यवस्थित विकास है, सुनियोजित विकास है, एक प्रभावकारी विकास के लिए राजेंद्र शर्मा जी से बेहतर प्रत्याशी नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए परिवर्तन होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको व्यक्तिगत अपनी विचारधारा, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से यहाँ पे व्यक्तिगत विचारधारा, सामाजिक सेवा की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पिता शर्ट पैंट खरीद दे लड़के को और लड़का बोल दे कि मेरा विकास हो गया है, तो वो विकास नहीं होता। विकास करने के लिए शैक्षिक स्तर को मजबूत किया जाता है, युवाओं को उत्साहित किया जाता है, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे युवाओं का विकास हो सके, वह भागीदारी दे सके देश, समाज, राष्ट्र के निर्माण के लिए और अपना जीवन यापन कर सके। चलिए।